राजा जी। YouTube चैनल, तो अभी हम रेडी हो रहे हैं शादी में जाने के लिए। इनके एक रिलेटिव है जिनकी शादी है, तो आज मैं पहनने वाली हूँ साड़ी लाइफ में पहली बार। मतलब वैसे तो मैंने पहना है, बट वो क्या होती है कि बनी बनाई साड़ी होती है, आप लोगों को भी पता होगा। लेकिन अभी मैं जो पहन रही हूँ वो रेडी टू वेयर साड़ी नहीं है, वो हैंड रिप साड़ी है। तो अब मैं इसको पहनती हूँ, देन फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, मैंने जैसे तैसे अपनी साड़ी पहन ली है, ड्रेप कर लिया, आई डोंट नो सही हुई है या नहीं। स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठी अप्सरा लग रही हो। बट बचपन से ना मैंने अपनी दादी, मेरी दादी साड़ी पहना करती थी, तो मैं उनकी साड़ी हमेशा लपेट लेती थी। आज पहली बार ऐसे पहना है, आप लोग बताना कैसी लग रही हूँ मैं। बाकी अब पहनते हैं ज्वेलरी, उसके बाद फिर अपने हेयर बनाएंगे, फिर हम रेडी हो जाएंगे। अच्छा लग रहा है कौन सी महारानी का हार लेके आई है? कोई महारानी का हार नहीं चुराया। पक्का? मतलब बर्लिन में देखा था मैंने ऐसे, वो हार चोरी करते हैं। स्ट्रेट करने के लिए 15,000 रुपये लगाए और उसके प्रोडक्ट मिलाकर 27,000 रुपये, और शादी में जाने के लिए कल ये कोई लॉजिक समझ आता है? हम लेट हो गए तो अब बंद कर दो इसको। 3 मिनट का शूट हो गया ना। और मेरी चांदी की अंगूठी है जो मैंने ली है। सो गाइस, मैं अब रेडी हो चुकी हूँ प्रॉपर तरीके से। अभी लाइट कम है तो शायद वैसे आपको दिख नहीं रहा होगा, वहाँ चल कर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किसकी शादी में जा रहे हैं और कैसे कैसे रहता है। सो अब लग रही हूँ ना मैं शादी शुदा। कैसी लग रही हूँ? चलो फटाफट से चलते हैं। हाय गाइस, तो अभी हम रास्ते में हैं और बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है। हमारा 30 मिनट के रास्ते को 50 मिनट दिखा रहा है, बट कोई नहीं, चलते हैं अभी वहाँ पर, देखते हैं। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, आपको लग रही है? बट आपने तो दोपहर का खाना भी खाया था, मैंने तो दोपहर का खाना भी नहीं खा रहा। 10 मिनट फास्टिंग करते हो। सर कैसे लग रहा है आपको? मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। चलो फाइनली कुछ रास्ता तो दिखा क्लियर, नहीं तो गाड़ी गाड़ी गाड़ी। एक तो ये दिल्ली में ऐसी होता है की गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ रहती है बस। नोएडा में, पर हम ज्यादा दिल्ली रहे। ओके गाइस, तो मैं वहां पर जाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा क्या माहौल है और खाने में क्या है। आप बताओ कौन सा जादू चल रहा है? खाना भी खा लिया आपने? चलो ठीक है, अब हम निकलते हैं यहाँ से। बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, इन दोनों ने तो बिल्कुल ऐसे पहन रखा है। नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो बोल रही हूँ हीरो वाली हरकत कर लेना, मेरे को ठंड लगेगी तो कोट उतार के चलते। हाय गाइस, तो अभी नेक्स्ट डे हो चुका है और हमने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लिया है। अब हम जा रहे हैं, थोड़ा सा काम था हमें मॉल, तो वहाँ पर जा रहे हैं। क्या लेना है हमें? सर का बर्थडे आ रहा है तो उन्हें गिफ्ट करना है, लेकिन अब मुझे क्या पता, उनके पास सब कुछ है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, इसलिए मैंने उनको बोला कि आप नेक्स्ट क्या लेने वाले। तो लेना ही, मतलब मुझे पूरी शर्ट गिफ्ट करोगी? मैं खुद परेशान हूँ, जितनी है वो पहनूं कैसे? वही, मतलब इतनी सारी हो चुकी है, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अब जो चाहिए जो खरीदने वाले थे वो हम दिला देते हैं। अभी हम जाते हैं मॉल, देखते हैं मिलता है क्या, जो चीज़ लेना है वो मॉडल,
फिर मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा चश्मा सर को चाहिए, है ना सर? अच्छा गा तो दो, अभी आप गाना गा रहे थे। कौन सा गाना? ये दो मिनट में बदल जाता है, अभी गाना गा रहे थे। अरे नहीं नहीं मैं भूल गया, वो गाना कौन सा था? वो कौन सा गाना गा रहे थे? वो बज रहा था ना गाना? वो नहीं बज रहा था, जो आप निकलते निकलते गा रहे थे। मतलब सच में मम्मी का सब मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे याद दिला दे, मैं गा दूंगा, अभी गा दूंगा। अरे अभी तो गा रहे थे ना जब हम सीढ़ियों से उतर रहे थे। सर क्या लेने आए हो आप? अच्छा मैं जब इस शोरूम में आ रही थी तो आप मुझे क्या बोल रहे थे? यहाँ पे तुम क्या लेने आए? और अभी आप क्या कर रहे हो? इतनी चीजें ले चुके हो और ये चीजें ले रहा है। सर की शॉपिंग डन? सर की या मैडम की? मैडम की, मम्मी की। नीचे चले वो लेने के लिए। हमारी शॉपिंग हो गई, अब हम जा रहे हैं मूवी देखने। लेट्स गो गाइस, आज का ये हमारा थर्ड मॉल है। पार्किंग किधर है? नॉर्मल स्ट्रीट्स में। ओके आज का ये हमारा थर्ड मॉल है। वेट वेट वेट, सो हमारा खाना आ चुका है, अब हम अपना खाना फिनिश करते हैं। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, मेरी हालत भी ऐसी हो गई है बिल्कुल। बट खाना खाते हैं फिर हम मूवी देखेंगे। आज हम कौन से साउथ इंडियन और कौन सा हीरो है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मास महाराजा। One day later. अरे यार ये मजाक कर रहा था, बोलो मजाक कर रहे थे।
था बाबू आजा प्लीज, तो जल्दी पहनो, फिर यहाँ क्यों आ गए थे? तैयार हो गया हूँ। अब मैं ढूंढ रही हूँ कि हम कहाँ पर जा सकते हैं, कौन कौन सी प्लेसेस ओपन हैं, मतलब ओपन तो बहुत सारी जगह रहती है। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग ज़्यादा पब क्लब ऐसी जगह नहीं जाते हैं जो रिसेंट जगह होती है, लेकिन ये कि अच्छा फूड मिलने को ना वो जगह प्रेफर करते हैं, या तो पंजाब ग्रिल हो गया या पिंड बलूची हो गया, मोस्ट प्रोबेबली हम यहीं जाते हैं क्योंकि पास में गौर सिटी मॉल है तो वो ओपन रहता है। बट अब देखते हैं और कौन कौन सी जगह है। यहाँ पर आजू बाजू सेंडोज नहीं है, मेरे को वहाँ का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट अभी तो मैं थोड़ा सा डाइट में भी हूँ, बट मेरा ऐसा डाइट नहीं रहता है कि प्रॉपरली डाइट रहता है, ऐसा रहता है कि सुबह ऐसे आप लाइट खा सकते हो जिसमें 300 समथिंग कैलोरीज हो, तो आप रात का डिनर ना अच्छे से कर सकते हो, मतलब अगर आपको रात में कहीं बाहर जाना है तो, लेकिन डिनर करने के बाद एटलीस्ट 3-4 hours आपको जागने को ना, ऐसा नहीं डिनर करे और सो गए तो फिर तो पेट क्या पूरी बॉडी फूलेगी। हमारा क्या रहता है कि 11-12 भी खाएंगे ना तो सोएंगे हम 4-5, तो वो चीज़ एडजस्ट हो जाती है। जैसे बाकी जो जितने भी फिल्म स्टार्स हैं वो लोग 7:30-8 खा लेते हैं, लेकिन वो सो भी फिर 10-11 जाते हैं, मतलब उनका टाइम शेड्यूल हो। मुझे तो इतना भी शौक नहीं है, वरना मैं अपने घर में भी देख सकता हूँ, बट पता नहीं क्यों देखता हूँ। रीजन ये है कि तैयार होकर ला रहा है, कम से कम मूवी देखते हुए इज्जत से 2 मिनट तक बाहर रुक तो सकता है। वही तो मैं लेकिन बताओ ना कहाँ पर हम जा सकते हैं। आप सर्च करो, आप लोग बताना अगर आप लोगों को कोई अच्छी प्लेस बताओ। नोएडा में कितने लोग हैं मुझे नहीं पता, 2 या 4 लोग हैं, वो भी हमारे साथ वाले काम करने हैं, वो तो सिर्फ हमें ज्यादा बताओ क्या हम ज्यादा जाते हैं बाहर, वो तो बच्चे लोग बेचारे अलग अलग स्टेट से आकर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो बस नोएडा में देख रहे हो तो सुन लो, हाँ ये भी भरा में की काम कर रहे हो, सकता है कुछ और कर रहे हो, मतलब घर वालों को लगता है कि काम कर रहे हैं, घर करता है नॉन स्टॉप काम ही कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, बच्चे सारी चीजें करते हैं, मतलब अपने मजे की चीज भी प्रॉपर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई काम करना है तो काम ही करेंगे। नहीं पता, थैंक यू। हाय गाइस, तो अब मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।